गुना में प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें घुमक्कड़ जनजाति गुना का समूह शामिल हुआ। गुना विमुक्त घुमक्कड़ अर्थ घुमक्कड़ जनजाति महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता योगाचार्य महेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन उज्जैन बैकुंठ धाम शेषसाई श्री विष्णु भगवान मंदिर हरिसिद्धि चौराहा योगीपुरा उज्जैन में हुआ। घुमक्कड़ महासंघ अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और मुख्य अतिथि बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर, महासंघ के प्रदेश संरक्षक सेपड नंद किशोर धनगर, प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह बघेल द्वारा लोकमता देवी अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अधिवेशन प्रारंभ किया गया, जिसमें पाल बघेल, धनगर गाडरी समाज के लोगों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया, जिसमें घुमक्कड़ प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए तहसील स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाए इस तरह की चर्चा की गई और घुमक्कड़ जनजाति महासंघ संगठन का विस्तार ग्राम स्तर तक पूर्ण किया जाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं घुमक्कड़ महासंघ के अंतर्गत आने वाले जनजाति समूह को एसटी वर्ग में शामिल किया जाने पर भी सहमति बनी। आज उज्जैन में घुमक्कड़ जनजाति महासंघ का महाधिवेशन समाप्त हुआ। आज के महाधिवेशन के जो मुख्य विषय थे, जनजाति जो घुमक्कड़ के अंतर्गत जो भी जातियाँ आती हैं उन सभी को एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। साथ में ही जो आयोजन होने वाला है सीएम हाउस में एक महापंचायत का आयोजन से संबंधित विशेष चर्चा हुई। दूसरा लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 31वीं को जयंती आने वाली है, उसका भव्य आयोजन कैसे संपन्न किया जाए उससे संबंधित समाज के हित के जो विषय थे, विकास के हित के विषयों पर विशेष चर्चाएं हुई, इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस कारण हमारे समाज का जो संख्या बल था वो शासन प्रशासन को कभी नजर आया ही नहीं। हमें नजर निरंतर आज़ादी के बाद तक अभी तक नज़रअंदाज किया गया है। 2018 में ये घुमक्कड़ और घुमक्कड़ का प्रमाण का आदेश जारी हुआ था और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से रोड ही अटकाए गए हैं, उसमें ज़्यादा सहयोग नहीं मिला है। इसलिए हमें ये संघ का निर्माण करना था। इस संघ के निर्माण द्वारा हम अपने समाज के उत्थान के विषय में सबसे पहले जो शासन प्रशासन की जो योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो डीएलटी बोर्ड को लेकर के या मध्य प्रदेश सरकार की हो। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।